नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं IBPS क्लर्क 12 प्री एग्जाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको हिंदी अंग्रेजी में कैसे डाउनलोड करना है, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है वो कैसे अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और एडमिट कार्ड जो है आपको लाइव जो है इस वीडियो में हम जो है डाउनलोड करके दिखाएंगे और सिखाएंगे भी कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आपको जो है कहाँ कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा sarkaririzult.com पर, साथ ही साथ ये लिंक आपको मिल जाएगा rozgarrizult.com पर, और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो बता दें, इसके एडमिट 17 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक उपलब्ध है। एडमिट कार्ड आप जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से भाषाओं में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चाहे तो दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एक ही जो है एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एडमिट कार्ड हिंदी में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हिंदी किया, पहले मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में से कोई एक चीज डाली, यानी पहले बॉक्स में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, लेकिन उनके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर रोल नंबर आ चुका है, तो अपना रोल नंबर डाल सकते हैं या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे डालता हूँ। देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दिया। नीचे आपको अपना या तो पासवर्ड डालना है या तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी। इन केस अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डाल ले तो आपको कैसे डालनी है, मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1995, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा 18-08 और डैश लिख के 95। इस तरीके से आपको यहाँ इस वाले बॉक्स में लिखना है, आपको स्पेस भी नहीं देना है, कुछ भी लिखना है, डैश का चिन्ह लगाना है। और मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है तो 18-10-95 लिखना है, डैश जो बीच में नहीं लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो डाल देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। इस कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। बता दें, एडमिट कार्ड हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा में आपको डाउनलोड करना है उसका चयन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऊपर जो है IBPS का जो एग्जाम है उसका डिटेल्स आ जाएगा क्लर्क का। नीचे देखेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है, आपकी परीक्षा की तिथि है, रिपोर्टिंग समय है, आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है जिसकी मदद से आप जो है एग्जाम देंगे, ये चीज यहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिख जाएगा और उसी के ठीक नीचे आपको देखेंगे आपको आपका वेन्यू पता लग जाएगा कि आपको जो परीक्षा का जो आपका शहर है यानी परीक्षा का जो केंद्र है, परीक्षा का शहर, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। परीक्षा के केंद्र का कोड मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी फोटो है, इसी तरह की सेम फोटो आपको यहाँ पे लगानी है। अगर हम थोड़ा और नीचे देखें तो दोस्तों, थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी हैंडराइटिंग वगैरह लिखनी है, आईडी प्रूफ लिखनी है। और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लोग जो है छोड़ देते हैं, इस पेज में अगर आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके कोविड डिक्लेरेशन का, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मिला है, जिसको जो है प्रिंट करना सभी कैंडिडेट के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको जरूर प्रिंट करके जाना है एग्जामिनेशन वेन्यू पे, नहीं तो आपको परीक्षा देने से रोका भी जा सकता है। इसलिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ ही साथ जो परीक्षा में के जो एग्जामिनेशन जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करना है, साथ ही साथ ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी प्रिंट करके जाना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।